इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुगेली। इन दिनों पूरे राज्य में धान खरीदी का कार्य जोरों से किया जा रहा है, लेकिन धान खरीदी विपणन केंद्रों में अनेकों प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। किसानों ने बीते सरकार के कार्यकाल में धानों को नहीं बेचा। नई सरकार के द्वारा अधिक राशि में धान के खरीदे जाने की सोचकर अब एक साथ हर उपार्जन केंद्रों में किसानों की आवक बढ़ गई है, जिसकी वजह से किसानों सहित कर्मचारी काफी परेशान हो रहे हैं। इसी कड़ी में लोरमी क्षेत्र के 841 नंबर धान उपार्जन केंद्र सुरेठा में काफी समस्याएं सामने आ रही हैं। किसानों के अनुसार इस केंद्र में अधिक धान हर किसानों से हर बोरी में लिया जा रहा है। इसके साथ ही बोरी को लेकर काफी छिटाकशी देखी जा रही है। इसके साथ ही इस विपणन केंद्र में केंद्र प्रभारी की अनुपस्थिति व रसीद नहीं दिए जाने की बातें भी किसानों के द्वारा कही जा रही हैं। अब इस क्षेत्र के किसानों की मजबूरी सी बन गई है, क्योंकि धान खरीदने का समय लगभग बीत सा गया है। इस समस्या को लेकर किसानों ने केंद्र प्रभारी से बात भी कही, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहरहाल धान खरीदी के समय के बीत जाने के साथ ही किसानों की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं और मजबूरन किसानों को इन केंद्रों में जाकर आवश्यकता से अधिक धान बेचना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।